देखिए, भारी बारिशों के कारण पिछली 9 जुलाई से लेकर अभी तक जो है बहुत भारी नुकसान हुआ है। हमारे अनुसार जो है, स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार करीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है मिनिमम आका गया है। इसके अलावा सैकड़ों घर जो हैं, करीबन 12,000 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, और उसमें से कोई 2,800 घर ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉट लिवेबल जिसको बोलते हैं वो रहे हैं। नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई जो है इसमें समय लगेगा। हमने अभी पीछे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से MOS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके पास हम लोग गए थे और उनसे आग्रह भी किया था। उस टाइम हालांकि काउंट कम था घरों का, करीबन 6,000 घर थे, और उसके बाद अभी और नुकसान हुआ है। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है अभी पिछले कल ही हमारे को चिट्ठी रिसीव हुई है, करीबन 6,500 घरों की उन्होंने हमारे को सैंक्शन अभी दी है जो टोटली क्षतिग्रस्त है। अब उसके जो है रूल आने हैं वो किस किस को दिया जाएगा, उनका भी मैं धन्यवादी हूँ जो कि इस घड़ी में जो है सभी मिलके हिमाचल प्रदेश की मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है डिपार्टमेंट की अपनी संपत्ति को भी नुकसान हुआ है, रूरल रोड्स को भी नुकसान हुआ है। हमने 1,00,000 रुपये जो है मनरेगा में सभी को पर्सनल लैंड में किया था, अभी उसका फिगर मेरे पास पूरा आया नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से हर ब्लॉक में करीबन 1.5-2 करोड़ रुपए की सैंक्शन ऑलरेडी आ गई है। करीब टोटल 88 ब्लॉक जो है हिमाचल प्रदेश में अभी हैं। नुकसान है, अभी समय लगेगा और हम इसे, मैं समझता हूँ कि जल्द ही जो है उभर के बाहर आएंगे। मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है सर, कब से ये लागू होगी, किन कार्यों के लिए? देखिए, मनरेगा की दिहाड़ी जो है पिछली कैबिनेट में अप्रूव कर दी गई है, 15 अगस्त से वो जो है लागू होगी, और अब बढ़ के जो है हम लोगों ने 28 रुपये जो है बढ़ाए हैं, अब बढ़ के जो है सभी को प्रदेश में मिलेगी। सर, ग्रामीण इलाकों में जो नुकसान करवाई जा सके, क्या ये कार्य शुरू हो पाया, फैसला केंद्र सरकार ने दिया था? देखिए, इसके ऊपर बातचीत चल रही है, क्योंकि मनरेगा में सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है और रूल्स वहीं से फ्रेम होते हैं। अभी हम लोग इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि हम लोग PWD की रोड्स जो हैं उसमें हम लोग मनरेगा के जो कामगार हैं उनको हम लगा सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर अभी बातचीत जारी है। सर, नेता प्रतिपक्ष का पिछले कल एक बयान आया है जहां कहते हैं कि सरकार आपदा में जो है झूठे दावे पेश कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी सड़क मार्ग है वो बाधित है। देखिए, ऐसा है, रोज बारिश लगभग हो रही है। अगर आप यहीं परवाणु शिमला नेशनल हाईवे की बात करेंगे, हर दूसरे दिन बंद हो रहा है, कल रात को भी जो है कुछ समय के लिए वो दोबारा बंद हुआ है। तो लाशें जो हैं या लैंडस्लाइड जो हैं वो बोल के तो आते नहीं, अभी साफ हो रहे हैं, दोबारा भी बंद हो सकते हैं, दोबारा बारिश हुई फिर दोबारा शिमला की सड़कें या हिमाचल प्रदेश में जो ग्रामीण सड़कें वो बंद हो सकती हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो खुल रही हैं। रही बात आंकलन की, मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह भी ये करूँगा कि आप खुद जो है आंकलन करके अपनी रिपोर्ट दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि आंकड़े सरकार गलत पेश कर रही है तो आप खुद करवा लीजिए, और आंकड़े जो भी हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं रिलीफ में वो बहुत कम है, 5,000 रुपये प्रति घर मिलता है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट को वहन करना पड़ता है। हम लोग 1.5 लाख रुपये उनको दे रहे हैं और 1,00,000 रुपये हमने जो जिसके क्रैक भी आ गया था हल्का घर में उनको भी 1,00,000 रुपये की राशि प्रदान करी गई है स्टेट गवर्नमेंट से। हालांकि सेंटर का इसमें जो नॉर्म्स हैं वो 5,000 रुपये हैं और बहुत कम है। इस हिसाब से भी मैं आपको बोलना चाहूँगा, करीबन 2,240 करोड़ रुपये का सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, एज पर मैनुअल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके हिसाब से जो है अभी तक 2,240 करोड़ रुपये का नुकसान जो है हुआ है। अगर उसको हम फिजिकली अगर देखें या स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से हम देखेंगे तो वो 10,000 करोड़ रुपये क्रॉस हो रहा है, बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट को वहन करना पड़ता है।